हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड गुड इवनिंग टू एवरीवन। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छी तरह होंगे। आज का टॉपिक है, व्हाट इज परचेज रिपोर्ट्स, आई मीन व्हाट आर परचेजिंग रिपोर्ट्स इन SAP MM। सो देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ परचेजिंग रिपोर्ट्स अवेलेबल इन SAP MM। दीज आर ऑल कॉल्ड एज स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स, एंड कपल ऑफ देम विच यू नो आई हैड यू नो लिस्टेड डाउन इन दिस पर्टिकुलर सेशन, दैट इज ME2M, ME2L, ME3M। ये सारी रिपोर्ट्स आपको हेल्प करेंगी टू पुल आउट एनी डॉक्यूमेंट। फॉर एग्जाम्पल, ये ME के बाद जो 2 नजर आ रहा है, दिस 2 इंडिकेट्स दैट ऑल दिस रिपोर्ट्स विल बी फॉर परचेज ऑर्डर। जैसे ME के बाद 3 लग गया, दिस इज गोइंग टू गिव यू द रिपोर्ट्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट्स, दैट इज आउटलाइन एग्रीमेंट्स। सिमिलरली, ME के बाद जैसे 4 आ गया, दैट मीन्स दिस विल गोइंग टू गिव यू द रिपोर्ट्स फॉर कोटेशन with reference to material, with reference to supplier. So let us quickly jump on to our SAP system. यहाँ पे SAP की easy access screen में अगर आप देखोगे, यहाँ पे let me just मैं सब कुछ बंद कर देता हूँ, पहले से शुरुआत से ओपन करता हूँ। आपको जाना है इंफॉर्मेशन सिस्टम में, और फिर ओपन करना है लॉजिस्टिक्स, और लॉजिस्टिक्स के अंदर आपको परचेजिंग ओपन करना है, परचेजिंग। और परचेजिंग के अंदर ये परचेजिंग ओपन कर दिया मैंने, ये और परचेजिंग अंदर आपको ओपन करना है परचेज डॉक्यूमेंट्स। और परचेज डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको परचेज ऑर्डर की सारी रिपोर्ट्स मिल जाएंगी, जैसे फॉर एग्जांपल ME2L, या ये जो लास्ट का लेटर है L, दैट रिप्रेजेंट्स द टेबल ऑफ सप्लायर। सो आप जैसे ही आप L को देखोगे, यू कैन इजिली अंडरस्टैंड दैट दिस रिपोर्ट इज टू बी पुल आउट फॉर दोज परचेज ऑर्डर्स विच वी कैन यू नो फैच विद रेफरेंस टू अ सिंगल सप्लायर। मैं आपको ये रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, ME2L। इसको मैंने डबल क्लिक किया तो सिस्टम आपको यहाँ सप्लायर में लेके आएगा, और ये ट्रांजेक्शन ये है इस रिपोर्ट का, ME2L। और यहाँ पर आप एक सप्लायर कोई भी डाल दो, और इसका एक स्कोप ऑफ लिस्ट ले लीजिए, लेस लेट से ALV, और इसमें देर आर सो मेनी सिलेक्शन पैरामीटर्स आर देयर। आप डॉक्यूमेंट डेट भी डाल सकते हो कि फॉर विच पर्टिकुलर इंटरवल यू वॉन्ट टू टेक आउट द रिपोर्ट। फॉर एग्जाम्पल, लेट से ऑफ लास्ट मंथ, लास्ट मंथ मीन्स लेट से फ्रॉम 1st of October टिल 31st of October, और इसको एग्जीक्यूट कर दीजिए आप। तो इसमें ये बोल रहा है कोई भी रिपोर्ट नहीं है इनके पास में, ठीक है। सिमिलरली, लेट से हम इसमें दूसरा सप्लायर कोई ले लेते हैं, यहाँ पर परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन देखते हैं, अगर कुछ परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी कोड ले लेते हैं, कंपनी कोड इज दिस, कोई एक दूसरा सप्लायर ले लेते हैं, यहाँ काफी सारे सप्लायर्स हैं, 17003, 17, इसको ले लेते हैं, ओके, एंड लेट अस एग्जीक्यूट इट। तो सिस्टम आपको सारे परचेज ऑर्डर का डेटा दिखाएगा विद रेफरेंस टू अ सिंगल सप्लायर, सिंगल सप्लायर, ओके। एक ही परचेज ऑर्डर को डिस्प्ले करते हैं, ये आपको परचेज ऑर्डर डिस्प्ले करेगा, और ये मटेरियल को कॉपी कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, अभी हम लोगों ने जो रिपोर्ट एग्जीक्यूट किया था, दैट वाज विद रेफरेंस टू ME2L, अभी रिपोर्ट को एग्जीक्यूट करेंगे विद रेफरेंस टू ME2M। दैट मीन्स वो सारे परचेज ऑर्डर्स इस पर्टिकुलर मटेरियल के लिए, कौन सा मटेरियल जो हमने अभी कॉपी किया था, ये वाला, तो सारे परचेज ऑर्डर्स का रिपोर्ट हमें मिल जाएगा जो सिर्फ इसी मटेरियल के लिए बने हुए हैं। सो लेट अस एग्जीक्यूट इट, एंड वी विल गोइंग टू फाइंड आउट द लिस्ट ऑफ ऑल द परचेज ऑर्डर्स फॉर द सेम मटीरियल TG0011। तो सिमिलरली, आप इसी तरह से सारे परचेजिंग डॉक्यूमेंट्स की रिपोर्ट आप देख सकते हो, दैट इज फॉर परचेज ऑर्डर नंबर 2, फॉर आउटलाइन एग्रीमेंट्स दैट इज कॉन्ट्रैक्ट्स एंड स्केड्यूलिंग एग्रीमेंट विद रेफरेंस टू मटेरियल, विद रेफरेंस टू सर्विस, विद रेफरेंस टू अकाउंट असाइन दैट इज कॉस्ट सेंटर के, विद रेफरेंस टू मटेरियल ग्रुप, ट्रैकिंग नंबर, एग्रीमेंट नंबर। सिमिलरली, यू कैन पुल आउट द रिपोर्ट फॉर कोटेशन एज वेल, उसी तरह जिस तरह से हम लोगों ने अभी परचेज ऑर्डर का रिपोर्ट पुल किया था ME2L और ME2M के रेफरेंस में। सिमिलरली, आप कोटेशन का रिपोर्ट भी पुल कर सकते हो विद दीज ट्रांजेक्शन। सो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड रिपोर्ट्स
ओके एवरीवन, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड अटेंशन. वी विल गोइंग टू मीट अप इन अवर नेक्स्ट वीडियो विद सिमिलर काइंड ऑफ यू नो इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल ऑफ यू. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट यू नो ईच वन ऑफ यू टू प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्लीज पुट इन योर कमेंट्स एज वेल दैट इफ यू वॉन्ट वीडियो टू बी क्रिएटेड फ्रॉम माई एंड ऑन अ पर्टिकुलर टॉपिक देन डू लेट मी नो. थैंक यू एवरीवन.